आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष आश्विन अथवा क्वार मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा और पूजा विधि प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। महाभारत काल में श्री कृष्ण भगवान से कुंती पुत्र अर्जुन ने कहा, हे जगदीश्वर, आश्विन अथवा क्वार मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में मुझे बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत कैसे किया जाता है? आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके यह सब विस्तार से कहिए। अर्जुन की उत्सुकता को शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडु पुत्र, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। यह एकादशी पाप रूपी हाथी को महावत रूपी अंकुश से बांधने के कारण पापांकुशा एकादशी कहलाती है। एकादशी का दिन श्री हरि विष्णु भगवान जी को अत्यंत प्रिय होता है। पापांकुशा एकादशी का व्रत उपवास करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला मन वांछित फल को प्राप्त करता है। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मन वांछित फल को प्राप्त करने के लिए श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करना चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा करने से मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो फल मनुष्य कठिन तपस्या करके प्राप्त करते हैं वह फल पापांकुशा एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन कर रहे भगवान हरि विष्णु जी को नमस्कार कर देने से ही प्राप्त हो जाता है और मनुष्य को यमलोक की यातना सहन नहीं करनी पड़ती। मनुष्य को पापों से बचने के लिए दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, परंतु पापांकुशा एकादशी के दिन श्री हरि भगवान का स्मरण कीर्तन सभी प्रकार के क्लेशों व पापों का शमन कर देता है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर था। उसने अपना सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, झूठ बोलने, शराब का सेवन करने और गलत संगति में रहने आदि सभी पाप कर्मों में बिता दिया। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज ने एक दिन पूर्व अपने दूतों को आज्ञा दी कि क्रोधन को कल दरबार में पेश किया जाए। यमराज के दूत बहेलिये क्रोधन को लेने के लिए आ गए और यमदूत ने बहेलिये से कहा, कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगीरा के आश्रम में पहुंच गया। वह महर्षि अंगीरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, हे मुनिवर, मैंने अपना समस्त जीवन हिंसा, लूटपाट, झूठ बोलने, मदिरा का सेवन करने तथा गलत संगति में ही बिता दिया। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार बहेलिये के अनुनय विनय करने पर महर्षि अंगीरा ने प्रसन्न होकर उसे आश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने के लिए कहा तथा विष्णु पूजा का विधान बताया। महर्षि अंगीरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने पापांकुशा एकादशी का विधि विधान से व्रत किया और अपने द्वारा किए गए समस्त पापों से छुटकारा पा लिया। आश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी के व्रत तथा पूजन के प्रभाव से भगवत कृपा से वह बहेलिया विष्णु लोक को गया। जब यमदूतों ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापिस लौट गए। कथा समाप्त। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। आइए अब जानते हैं पापांकुशा एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के व्रत के नियमों का पालन
एक दिन पहले यानी दशमी तिथि की रात से ही करना चाहिए। दशमी तिथि की रात को 7 तरह के अनाज, गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इन 7 अनाजों की पूजा एकादशी के दिन की जाती है। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर एकादशी के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति को साफ करके पूजा स्थल में रखना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति पर गंगा जल का छींटा देना चाहिए। गंगा जल का छींटा देने के बाद श्री हरि विष्णु जी का रोली और अक्षत से तिलक करें और सफेद रंग के फूल चढ़ाएं। उसके बाद घी का दीपक जलाएं। फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी के 108 नामों का जाप करें और मंत्र जाप करें। श्री हरि विष्णु जी के मंत्र और नाम का जाप करने के बाद पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा सुनें। उसके बाद भगवान श्री हरि को भोग लगाएं। पापांकुशा एकादशी का व्रत करते हुए किसी भी एक समय फलाहार लिया जाता है। यदि आप निराहार रहकर व्रत कर सकते हैं तो यह बहुत ही अच्छा है, परंतु यदि आप निराहार ना रह पाएं तो एक समय फलाहार करें और व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को भोजन करवाकर और अन्न का दान करने के बाद व्रत का पारण करें। आइए अब जानते हैं श्री विष्णु भगवान जी का स्तुति मंत्र। शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी भिध्यान नग्मयं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। अर्थात जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेष नाग की शैया पर शयन करते हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और समस्त जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सब जगह व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वरण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो समस्त लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नयन भगवान श्री विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ऐसा माना जाता है कि यह मंत्र भगवान श्री हरि विष्णु जी का अत्यंत प्रिय मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से हर प्रकार की कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस मंत्र का जाप यदि तुलसी की माला पर किया जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। जय श्री हरि विष्णु भगवान।